साइन थ्री ए की वैल्यू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए भाई, और कॉस थ्री ए का और कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए है ना भाई। अच्छा टेन थ्री ए का फॉर्मूला 3 टेन ए माइनस अपॉन बक्सर, तुझे याद नहीं अभी है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर भाई देवे पढ़ने वाले बच्चे को याद नहीं आता टोकना पड़ता है, क्या हुआ अभी तक याद नहीं हुआ है ना भाई। अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2, ये बात भी हो गई। अब अगली बात, पिछली बार हम लोगों ने करा था साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 प्लस ए 1/4 साइन 3 है ना भाई। जितनी वियर्ड आवाज आती है क्लियर कर देती है कि बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा। कॉस 60 माइनस ए, कॉस के अंदर अगर 60 प्लस ए हो तो हम लोगों का आंसर 1/4 है ना भाई। अच्छा इसके बाद में हम लोगों ने जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया हाँ भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप में से कई लोग बार बार भूल जाते हैं ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं क्लास में आने से ही उनका काम बन जाएगा ठीक है। यहाँ जो देख लिया यहाँ पे भी देख लिया, मतलब कैसा वाला कि एक साथ में दो चीजें खुली हुई हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है, कभी इधर उधर जा रहे हैं, कभी बीच में बोर्ड पे भी ध्यान आ जाता है ना, तो इम्पॉसिबल है वो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ठीक है। ये बात मैंने आपको जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी बोलना चालू कर दिया है, मैं रोज बोलता हूं ठीक है, और एक महीने के बाद बोलना बंद कर दूंगा स्टार्टिंग डे से। इसको 10 कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं, कर दो। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उम्मीद है आप में से सभी को पता होगा कि यहां पे एक फार्मूला लगा है ना भाई, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर ए। हाँ दीपक क्या क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ बैठो, वही मैं सुन रहा था बार बार गड़बड़ बोल रहे थे। हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक में कोई फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। नहीं क्या बोल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अरे तू सही बोल रहा था, बताए तेरे को, तू बस तेरे शब्द नहीं बैठे इसलिए तेरे को उठा दिया मैंने, मैंने कुछ पूछने के लिए थोड़े ना उठाया, शब्द सही कर ले, क्या था इजिकल टू क्या होता है। हाँ तुम बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सही है बिल्कुल एकदम, इतनी सी बात है बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ठीक है, और फिर वो साइन की मल्टीप्लाई कर देना, साइन स्क्वायर ए करते ही जरूर कोई ना कोई फायदे की चीज दे जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर 60 दे सकता है माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, एलसीएम आप ले ही लोगे, बाहर वाला साइन ए मल्टीप्लाई कर ही दोगे, अंदर की तरफ साइन 3 ए बन ही जाएगा, डिवाइड बाई 4 आपको दिख ही रहा है ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। ये हुई बात जो हम लोगों ने पिछली बार तक करी है करी है करी है, याद है ना आपको, हाँ बहुत जरूरी चीज है ये कि आपको इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है। अपन आज के दिन आगे चलते हैं, हाफ एंगल फाइंडिंग, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को हाफ एंगल निकालना हो, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या निकाला हो, हाफ एंगल निकालना हो, तो क्या क्या फॉर्मूले लगाए जाएं, क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होने चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं राइट है भाई। सबसे पहले जैसे मैं आपको हाफ एंगल का मतलब समझा देता हूं, हाफ एंगल का मतलब क्या है, हाफ एंगल का मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है साइन का हाफ एंगल, साइन ए बाई टू निकालना है राइट है, तो साइन ए बाई टू निकालने के लिए बेस्ट मेथड है कि मैं लिखूं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। आप में से कितने लोगों को याद है 1 माइनस कॉस थीटा कितना,
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना भाई, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है ना भाई, यहाँ ए कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन बन जाएगा, है ना, वैसे तो मॉड बनना चाहिए लेकिन अपन इससे नॉर्मल प्रोसेस में लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मेरे को कॉस ए बाई टू निकालना हो तो कॉस ए बाई टू का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मेरे लिए बेस्ट है कि वन प्लस कॉस ए बाई टू लिख दूं, राइट है भाई। हाँ, पहले मैं आपको इन दोनों का मतलब भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन के अंदर निकालना है, ठीक है ना, साइन सेवन एंड हाफ डिग्री, सेवन एंड हाफ डिग्री, राइट है। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन सेवन एंड हाफ का मतलब हो जाएगा साइन, ये ए बाई टू लिखा है ना भाई, ए बाई टू दिख रहा है आपको, कितने लोगों को पता है ये ए बाई टू में ए की वैल्यू कितनी है, 15 बटा दो लिखा है ना भाई। तो मुझे पता होना चाहिए साइन में हाफ एंगल निकालने के लिए मुझे यूज करना चाहिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई टू। अभी अभी आपने देखा ए बाई टू की वैल्यू है 15 बटा दो, तो ए की वैल्यू हो गई 15, तो मुझे यहाँ पे 15 पुट कर देना चाहिए। और उम्मीद है आप में से कई बच्चों को ये भी याद होगा कि 1 माइनस कॉस 15 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2, याद आया आपको, और अपॉन 2 कर देंगे। एलसीएम एलसीएम छोटा मोटा काटना कूटना तो आता ही है, जैसे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे सबको पता है 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 लिख दो, तो मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 2 रूट 2, ठीक है ना, 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना 4 रूट 2, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये अपना जो भी आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा, साइन 7 एंड हाफ डिग्री का, गाली पकड़ में आई आपको। ऐसे अपन निकाल सकते हैं किसी भी हाफ एंगल को, जो भी गंदे गंदे एंगल है ना वो तो आप समझो उनकी मौत है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, किसी ने कहा साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, तो आप में से कई लोग समझ गए 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई 2 कर लोगे आगे, हाँ है ना। अच्छा मान लीजिए अगर मेरे को निकालना पड़ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ जाए कॉस 22.5, तो आप बना सकते हो, बना के चलिए कर लो, करो करो दोनों करो करो करो, हाँ हाँ तो लिख लो, लिख तो लो, हाँ हाँ लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। फॉर साइन ए बाई टू, फॉर कॉस ए बाई टू, ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा, अब बात उठती है किसकी, कि अगर सर कल को 10 में निकालना हो तो, है ना भाई, नहीं 10 में निकालना हो तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान से समझना भाई बहुत काम की चीज है। 10 ए बाई टू का फॉर्मूला लगाना हो, कितने लोगों को पता है, पहली बात 1 माइनस कॉस ए, अभी भी बताया था 1 माइनस कॉस ए बोले तो 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, आपको याद नहीं हो गया यार, अब तक याद नहीं हो, पता कब से चल रहा है, एक महीना हो गया, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए याद करो ना, कब तक याद करो, कल के दिन टेस्ट है आपका, अभी से आपका नजारा दिख रहा है, पता है आपको मिलने वाले नहीं है नंबर, मेंस में अगर आपके 50% नहीं आए इसका मतलब बेकार है, और सोचो आप एडवांस में फिर हम क्या देने वाले हैं आपको, लड्डू, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, नीचे वाले का साइन ए का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन में, किसी का अगर पीछे जाना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ये बन जाएगा 10 ए बाई टू, बैठे भाई बन गया कि नहीं बन गया, है ना, इसका मतलब ये कि 100% ये बनेगा, ठीक है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 2 काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपका रोज फार्मूला पूछूं, ठीक है ना, और आपको बिल्कुल घुटवाने वाला अंदाज में ही बात करें आपसे, मतलब बिल्कुल प्रेम से बात करना ही बेवकूफी है, ठीक है। एनीवे, अगर मान लीजिए मेरे को 10 22.5 डिग्री निकालना होगा, तो 10 22.5 डिग्री का मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 45, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 45 अपॉन में नीचे कितना साइन 45 कर दूंगा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस 45 का मतलब 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 आंसर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, है ना भाई। तो आप में से कितने लोग ये समझ गए कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कॉट 22.5 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, इसका मतलब रूट 2 प्लस 1, ये बहुत ही काम के 2 रिजल्ट हैं, याद रखने के लायक है, ये ऐसी चीजें ना जिनको आप इकट्ठे करते हो, आपके 3-4 पेज तो सिर्फ इसी के बन जाएंगे जो आपको याद रखना है, रेडी रखना कहते हैं ना, जैसे 10 22.5 इज इक्वल टू मैं रूट 2 माइनस 1, 10 22 सॉरी कॉट 22.5 इज इक्वल टू मैं रूट 2 प्लस 1, ठीक है भाई,
got 7.5 degree. फटाफट got 7.5 degree. भाई got 7.5 के लिए इतना भी इतनी सी अगर लगा लेना कि अगर भाई got a by 2 अगर रह रहा है ना तो got a by 2 के लिए आपको यूज करना चाहिए 1 plus cos a divided by sin a. आप जरा फटाफट से अपनी आगे उपयोग करके देख लें. उम्मीद है 1 plus sin a अगर 2 sin a square a by 2 है तो 1 plus cos a 2 cos square a by 2 है. नीचे 2 cos a by 2 into sin a by 2 कटने के बाद में cos a cot a by 2 रह जाएगा. उससे नहीं मैं एक्चुअल में क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है. ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि cot 7.5 इज इक्वल टू, मैं आपको प्रूव करना है कि रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस 1. सही है. हाँ, अब आपको पीछे इतनी दूर तक करना ही पड़ेगा. आप लोगों ने 10 के फॉर्मूले सोचा, 10 सेवन है आप सोचा. चलो अब सोच लेते हैं, 10 सेवन है आप माने 15/2. 10 15/2 का आप लोगों ने क्या क्या कर लिया, 1 माइनस कॉस 15 साइन 15 है ना भाई. अच्छा 1 माइनस कॉस 15 का मतलब कितना हो गया, 1 माइनस रोड 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रोड 2 अपॉन में नीचे कितना 1 कहां से रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 राइट है भाई. अच्छा अगली लाइन में सबको ये तो आइडिया हो ही गया कि ये 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 रह गया. हाँ या ना. आंसर को लेकिन इस फॉर्म में छोड़ना गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि नीचे सर्ट आ रहा है. रूट के अंदर भी चीज आती है तो ऐसे छोड़ना रेशनल वैल्यू में छोड़ना गलत होता है. तो बेस्ट है कि इसको रेशनलाइज कर लो. रेशनलाइज करते ही रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे है ना भाई. इस जगह आकर के आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया. अगर आपने रैशनलाइज कर दिया तो जैसे ही रैशनलाइज करोगे नीचे की तरफ कितना बन जाएगा 3 माइनस 1 है ना भाई. ऊपर की तरफ आप मल्टीप्लाई करो, देखो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2√6. ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई करते हुए माइनस 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते माइनस रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करते प्लस का 2√2. ठीक है, माइनस के अंदर कितना, माइनस के अंदर 1 से मल्टीप्लाई करते 2√2 माइनस रूट 3 माइनस 1 राइट है. अच्छा देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन ये 2√2 है, ये 2√6 है. ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है, किसी को पता है क्या आ रहा है, 2√2. बिल्कुल 2√2 कॉमन आ रहा है. अंदर की तरफ क्या बच रहा है, रूट 3 प्लस 1 बच रहा है. अच्छा बहुत धीरे धीरे देखो अपने को लेकिन रूट 3 प्लस 1 की जरूरत है क्या, रूट 3 प्लस 1 की हमारे को जरूरत ही नहीं है. अगर हम रूट 3 प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो देखो क्या गलती करने वाले हैं वो देखो आप. कॉमन एरर थोड़ी भी अकल काम करेगी तो देखो, अगर मैं रूट 3 प्लस 1 कॉमन ले गया तो मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से आया था. मैं रूट 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करके लाया था और मैं थोड़ी देर बाद कॉमन लेकर के फिर दिखा दूंगा कि देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई है. तो ये तो अपने आप में सुसाइडल हो जाएगा है ना. इस जगह पर रुकना और सोचना पड़ता है राइट है भाई. क्या सोचना पड़ता है, एक मिनट के लिए जरा मैं सारी चीजों को भाई इकट्ठा कर देता हूं. माइनस 3 माइनस 1 मिलकर हो गया माइनस 4, रूट 3 मिलकर हो गया माइनस 2√3, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है 2. हाँ है ना, उम्मीद है आपने सभी को पता चल गया ये बन गया रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस सॉरी माइनस 4 ये बना है भाई. इसका उससे क्या लेना देना, कोई रह गया क्या सर. टू रूट टू रह गया. कौन रह गया, एक 2√2 रह गया. बिल्कुल साहब, 2√6 प्लस 2√2, 2√2 का कितना रह गया रूट 2. बस अब देखो आपका क्वेश्चन बन गया है. कैसे बन गया, कुछ कॉमन आ रहा है क्या. हाँ भाई, किसमें से कॉमन लू, रूट 2 प्लस 1 कॉमन लेना मेरे को. दिमाग के घोड़े दौड़ाए इसमें और इसमें, या इसमें किसमें कॉमन लू, देखो आप इसमें और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट में क्या कॉमन ले सकता हूँ, रूट 2. रूट 2 के कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1. लेकिन रूट 3 प्लस 1 अपना है क्या कहीं, कुछ यहाँ पे माइनस 2 आएगा. अच्छा यहाँ पे डिवाइड के अंदर माइनस 2, गुड है. चलो आगे बोलो क्या कॉमन लू, कॉमन कैसे लें. आखिरी से जो बैठे हैं आराम से टेक योर टाइम. लेकिन ऊपर माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब ऊपर कोई एरर तो नहीं रहेगी. पहले ऊपर से देख के आ जाओ जल्दी से.
कितना? दोनों में माइनस होगा. क्वेश्चन रॉन्ग है क्या मतलब? नहीं ये देखो कॉमन सेंस कितना सिंपल. अरे आंसर मिला नहीं रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप? रूट थ्री या हो गया रूट टू माइनस वन, और इन दोनों में कॉमन क्या आने वाला? मैंने सोचा शायद कोई बोलेगा, ठीक है रूट टू के कॉमन आते हैं अंदर बच्चा रूट टू माइनस वन, माइनस रूट टू कॉमन ले रहा हूं, है ना भाई? सही क्या? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये बनने वाला है, ये बन गया है उल्टा रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू में रूट टू माइनस वन. लेकिन ये तो टेन सेवन एंड हाफ है, तो कॉट बनाना है आपको, तो मिला किससे रहे हो? इसको जैसे वन अपॉन करोगे रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू में रूट टू माइनस वन. किसी को याद है वन अपॉन रूट टू माइनस वन का मतलब रूट टू प्लस वन होता है? हाँ है ना. इन दोनों के बीच का अंतर फिर एक है, तो इसकी जगह लिख दूंगा रूट थ्री प्लस रूट टू. आएगा नहीं? बस जरा सी चीज मिस कर गए थे आप, आंसर मिलाने लग गए और आंसर मिल नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि वो मिसिंग था, पलटना है ना. एनीवे आपके तरीके से भी आंसर आ जाएगा मतलब. चलो बहुत बढ़िया है. गिवन दैट साइन थीटा प्लस साइन ए साइन फाइव इज इक्वल टू ए, और यहां दे रखा है कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बी. पहली चीज जो हमारे को पता करनी है कॉस थीटा माइनस फाइव, दूसरी चीज जो हमारे को पता करनी है वो है टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू, है ना भाई? टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू. और तीसरी चीज जो हमें पता करनी है वो है टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव बाई टू. बहुत ध्यान से एक एक बात समझना. क्या कर इस क्वेश्चन को यहां बताने की क्या वजह है? हाँ भाई बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से. एक्चुअल में क्या है ना, ये क्वेश्चन आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है किसी टाइम पे जब सब्जेक्टिव के पेपर हुआ करते थे. अब सब्जेक्टिव के पेपर अभी भी होते हैं लेकिन उसका नाम पड़ गया इंटीजर. इंटीजर इंटीजर में आप सब्जेक्टिव ही कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में, राइट है? अच्छा अब जरा समझने का प्रयास करें. क्वेश्चन के अंदर जब भी मैंने आपको बता रखा है साइन साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो बेस्ट वे होता है. कभी भी साइन में या कॉस में अगर कभी इक्वेशन दे रखी हो तो बेस्ट वे होता है स्क्वायर एंड एड. बता रखा है आपको? अगर बाय द वे मैं इसको स्क्वायर, ये जो अपने को गिवन है फर्स्ट नंबर पे और ये जो सेकंड नंबर पे जो गिवन है उसको अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो याद है मैं पहले का स्क्वायर लिखता हूं तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा. उम्मीद है आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कितना टू साइन थीटा इंटू में साइन फाइव इज इक्वल टू में कितना ए स्क्वायर. और सेकंड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में टू कॉस थीटा कॉस फाइव, है ना भाई? कॉस फाइव इज इक्वल टू में कितना बी स्क्वायर. अब एक छोटा सा काम आपसे पूछता हूं, क्या करूं, जोड़ू कि घटाऊं? अरे जोड़ो, जोड़ने पे फायदा टू मिल गया क्या? डायरेक्ट मिल गया क्या? टू लिख लिया आई बात. अरे ये बना वन, ये बना वन, टू बन गया प्लस में टू कॉमन. अंदर ही अंदर मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा माइनस फाइव. नहीं आई अभी बात पकड़ में? इज इक्वल टू में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई टू. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपने पास बना कॉस थीटा माइनस फाइव, राइट है भाई? अब मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड की तरफ मूव करने के दौरान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं. क्या आपको अभी भी मैं एक छोटी सी बात पूछूं जवाब दे पाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से मुझे बता दो साइन ए बाई टू का फार्मूला बोलो. आज ही करा अपन ने, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए. वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई टू, भूल गए? अब कॉस ए बाई टू सोचो, अंडरूट वन प्लस. अब जल्दी से टेन ए बाई टू का फार्मूला सोचो, वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए. श्योर है ये किसका फार्मूला हुआ? टेन का, है ना भाई? यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा एक और बात, एक बच्चे ने मेरे को बीच में एक बात के लिए टोका था, मैंने उस समय उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है? एक बच्चा मेरे को यह समझाने की कोशिश कर रहा था, सर टेन ए बाई टू का फार्मूला सर इन दोनों को डिवाइड करके भी तो ला सकते हैं. नहीं है बात पकड़ में? इन दोनों को डिवाइड करके भी तो ला सकते हैं. अरे साइन ए बाई टू होना भी चाहिए और एकदम सही बात भी थी. मैंने लेकिन जानबूझ के एक अलग फार्मूला बताया आपको, लेकिन मैं उस बात को हां भर देता हूं कि हां आप ऐसा कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े तो. कब जरूरत पड़ेगी वो सुनो, जरूरत तब पड़ेगी जब कॉस
और साइन आपके पास में दोनों मौजूद ना हो, अगर सिर्फ कॉस ही कॉस मौजूद है तो इधर इधर चले जाओ, क्योंकि एक बार जो कॉस निकला वो ऊपर वन में से माइनस हो रहा है और वन में से प्लस हो रहा है, और अगर अगर कॉस और साइन दोनों अवेलेबल है तो इसकी तरफ चले जाओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, है ना भाई। अगर मैं इसकी बात को इधर देखता हूं तो मेरे को थर्ड नंबर पे दिख रहा है, थर्ड नंबर पे मेरे लिए क्वेश्चन क्या, पहले आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन है मेरे पास में टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू, हाँ या ना? आपको पता है किसका हाफ एंगल है? थीटा माइनस फाइव का, और मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कॉस थीटा माइनस फाइव। क्या मुझे साइन थीटा माइनस फाइव है मेरे पास? क्या मुझे निकालना चाहिए? इससे काम चल जाएगा, चल जाएगा। तो फार्मूला अब की बार आप बोल रहे हो, बोलो क्या लिखूं? अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस फाइव। क्या जरूरत पड़ेगी मेरी या बन जाएगा? बन जाएगा ना, आपके पास पड़ी है सारी चीजें। तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया? फार्मूले कई है लेकिन अपने को तो छोटे से छोटा जो पांच है ना उसे ढूंढ के रखना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो साइन का कॉस का टेन के दो फार्मूले जब आपकी इच्छा बने। हाँ ये बोला, ये है ना, टू कॉमन आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी आ गया। अच्छा ये कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, खटाखट पुट कर दो, एलसीएम एलसीएम ले लो, जल्दी से आंसर पे पहुंचो, मेरे को बता देना। यदि सिर्फ कॉस ए अवेलेबल हो तो यूज करें, है ना भाई, यदि सिर्फ कॉस अवेलेबल हो तो यूज करें। साइन ए कॉस ए दोनों हो तो यूज करें। हाँ भाई अगले की बात करो, ये मजा इसमें नहीं है, मजा इसमें तो है ही नहीं है, तो बराबर ही है। लिख लिया आप लोगों ने खटाखट, इसमें क्या टाइम खराब करना, वन प्लस सॉरी वन माइनस कॉस फाइव की जगह अगर आपने रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू, श्योर है? एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही यहां हो जाएगा टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, श्योर है? तो यहाँ टू की जगह फोर हो जाएगा, तो हाँ बोलोगे मैं लिखूंगा एलसीएम काटो, फोर हो गया, लिख दो आप बोलोगे मैं लिखूंगा, मैंने कहा फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही भाई, लेकिन नीचे दो और दो कट गया, कितना रह गया मात्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई फंडा अब क्या है, फंडा अब ये कि तीसरे नंबर पे, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन बताओ, मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुनो, नहीं 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 ध्यान से सुनना, ये क्लासिक है, एक मिनट मिलाते हैं फिर अभी। हाँ भाई अगर भाई बात चल रही है सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू चाहिए, बोलो हाँ या ना, पहले सोचो ना इसको ये चाहिए या नहीं चाहिए, यही चाहिए ना, तो या तो अपन एक काम करें है ना, इसके लिए है ना कॉस थीटा प्लस फाइव निकालो, या तो मैं कॉस थीटा प्लस फाइव निकालू और फिर फार्मूले में यूज करूं हाफ एंगल वाले में, अरे थीटा प्लस फाइव निकालता हूं और वन प्लस यहां पे थीटा प्लस फाइव बाई टू चाहिए तो यहां पे भी थीटा प्लस फाइव की वैल्यू रख दूंगा, कॉस थीटा प्लस फाइव आएगा और मेरा आंसर बन जाएगा, है ना, एंड यूज फार्मूला, या तो मैं ये करूं फार्मूले का यूज करूं, या ये कर सकता हूं कि एक छोटा सा और आपको एक तरीका सिखाऊं, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ शायद आपका दिमाग काम कर जाए, कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको क्वेश्चन वाले ने साइन थीटा प्लस साइन फाइव बराबर ए दिया है, दिया है हाँ या ना, अच्छा आपको कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव भी दिया है, बराबर कितना दिया है बी, तो मैं अगर दोनों का आपस में डिवाइड कर देता हूं तो कितने लोगों को ये पता है यहां लगेगा कोई फार्मूला किसका, साइन से प्लस साइन डी, और नीचे लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, श्योर है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, बोलो, तो साइन क्या लिखो, बोलो थीटा प्लस फाइव बाई टू, वेरी गुड, थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू है ना, इजिकल टू जो भी ए आने वाला है, और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू इजिकल टू ए बाई बी कर दो, टू टू कट गया, ये कट गया, बच्चा क्या टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू,
रिजल्ट ए बाय बी, क्या ये सीधा है? है ना भाई, इसमें कॉस थीटा प्लस फाई तो निकालना नहीं पड़ा, सट्टे से नहीं आता था इसमें, तो ये थोड़ा सा एक अलग एंगल था, इसलिए इसको जानबूझ के सेकंड नंबर पर कराया, उसमें फॉर्मूले का यूज हो सकता था, इसे वहां वैसा करवाया, ठीक है ना। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ना। अगला, हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, दे रखा है 340 डिग्री, देन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रूव दैट 2 साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। करें बात इसमें? नो सर। हाँ भाई, नहीं आपको जरूरत नहीं, मेरे को तो आप बता देना, आपका बाकी सब दिमाग चल जाएगा। मुझे पहली चीज तो ये बताओ, कितने लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन ए का फार्मूला क्या होता है? कितनों को याद है? क्या सही जा रहा है? तो थोड़ा और दिमाग लगा ले, साइन ए तो ऑलरेडी है। हाँ, कितना बोलना बोला, क्या लिखूं? कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या? अरे स्क्वायर खोलना आता है क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है ना, जल्दी से खोल के बताओ क्या आएगा पहले नंबर पे? कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बाई 2, बोले बोलते 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कितना होता है? साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए आया कि नहीं आया, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो आपको ये भी मैंने बता रखा है, अंडर रूट में जब भी किसी का स्क्वायर जाएगा मॉड आएगा, और वो तो खास तौर पर तब तो जरूर आएगा जब एंगल दिया हो, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग मेरे बिना बोले ये समझ गए कि 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या होगी? बोलो 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 बोलो, मॉड नहीं, अभी इसकी नया फार्मूला लिख दिया, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का, वेरी गुड। हाँ भाई, अब मैं आपके सामने ये भी पूछ लूं कि अगर आपने बात बोली तो मेरी बात कहीं आपको भूली तो नहीं, मैंने अभी बोल दिया था कि ये जब भी बाहर आएगा तो क्या बनेगा? मॉड कॉस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2, और ये बन जाएगा मॉड कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। और मेरे बाप जल्दी से ये बता दो, कितने लोगों को पता है कि ए कहां है? 340। तो ए बाई 2 कितना हो गया? ए बाई 2 बोलो 170। क्वाड्रेंट बोल दो, सेकेंड। हाँ या ना, किसी को याद है मैंने एक बात बताई थी कि ये जो 45 और 225 की लाइन होती है ना, साइन कहां डोमिनेट करता है? बिल्कुल, ये वो इलाका है जहां साइन ए ग्रेटर देन कॉस ए, याद है आपको? और ये वो इलाका है जहां पे कॉस ए ग्रेटर देन साइन ए। अच्छा बता दो जल्दी से कि 170 कहां पड़ेगा? यहां पर, हाँ या ना, यहां कहीं पड़ेगा ना 170, सही बात है। अगर 170 अपना यहां पड़ने वाला है तो कितने लोगों को पता है कि 170 पर कौन बड़ा, साइन बड़ा कि कॉस बड़ा? हाँ, तो आपको ये पता चल गया कि ये भाई बड़ा है और ये छोटा है, और अगर साइन को पता चल गया कि छोटे में से बड़ा घटाने पर नेगेटिव आएगा तो बात पक्की है। अरे भाई, लेकिन एक छोटी बात और, बस धीरे 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 समझूंगा, मैं भूल जाता हूँ ना। देखो, छोटे में से बड़ा घटाया नेगेटिव आया, मॉडुलस को पता लग गया कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो कैसे निकालता है? एज इट इज या माइनस के साथ? ओके, तो आप ये मेरे को कहना चाहते हो कि ये जो भी आएगा माइनस के साथ आएगा, माने माइनस में कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2, श्योर? ठीक है ना भाई। अच्छा, और जोड़ते समय तो कोई लफड़ा ही नहीं है? जोड़ते समय तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पक्का? कैसे पता करते हो आप लफड़ा है या नहीं है? अच्छा, ये एक सेकेंड, मैं सिर्फ आपकी उपस्थिति देख रहा हूँ। क्या आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना? अच्छा, माने ये इससे बड़ा है, है ना भाई? श्योर है ना? अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूँ, इसका मतलब ये कि आप मेरे को ये कहना चाहते हैं ये एजेंट निकाल दो, मतलब मैं कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, लो मैं निकाल देता हूँ, आपके आपका कहना शर्मा थे। अब जल्दी से बता दो, अगर मैं अब आगे जाऊंगा तो क्या करूंगा? दोनों को क्या कर रहा है ये? दोनों को क्या कर रहा है?
इसमें से इसको माइनस कर दूं क्या? लो कर दिया, अब बोलो आप तो। पहले मैं माइनस कर रहा हूं भाई, माइनस, और ये भी माइनस। कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ऐड होंगे कि कटेंगे? ऐड होंगे, और ये दोनों कट जाएंगे। तो आंसर तो फिर 2 sin 8/2 कैसे आ जाएगा? हाँ, नीचे वाले की दो वैल्यू खुलेगी। नहीं नहीं, ए तो 170 है ना। हाँ, तभी तो मैं आपसे कह रहा था, सोचो मैग्नीट्यूड। ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड है, बहुत दिमाग लगाओ। अभी आपके पास अब बॉल आपके कोर्ट में पड़ी है, मैंने तो भी छेड़ा नहीं है, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो। आंसर में कोई मुश्किल काम नहीं है। सोचो ए बाई टू 170 है तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे सोचो। मैं आपसे पूछता हूँ, साइन जीरो कितनों को पता है? साइन जीरो और कॉस जीरो पता है क्या आपको? कितना होता है? ये जीरो और ये वन है ना भाई, सही है। अच्छा, अब एक और बात पूछता हूँ, साइन 180 कितना होता है? अच्छा, कॉस 180 कितना होता है? अच्छा, अभी आप कहाँ खड़े हो? कितना? 170 पे खड़े हो, माने किसके करीब हो, जीरो के या 180 के? 180 के करीब, है ना। ऐसे देखो, आप लॉजिकल खेलो, लॉजिकल लॉजिकल खेलो, ठीक है, बहुत लॉजिकल खेलना है, बहुत धीरे धीरे। आपको पता नहीं है आपको इस प्लस ने पिटवा रखा है, ठीक है। एनीवे, मैं आपको इसमें धीरे धीरे और कोशिश करता हूँ। आप इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो? अभी आपको नहीं पता है कि छोटा बड़ा कौन है? एक बार जरा बिल्कुल 170 मान के ले लेते हैं, राइट है। आप ए इज इक्वल टू में ऑलमोस्ट 180 ले लो एक बार के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर मैं 180 लेता हूं तो कॉस 180 कितना लिख लूं एक बार के लिए कहीं? माइनस 1। साइन 180 जीरो। क्या अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। माने कैसा खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। नेगेटिव माने नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो मैं लिख देता हूं, लिख दूं मैं माइनस कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, है ना। हमने पिछली बार भी यही लिखा था, मैंने कहा था आपको माइनस ने नहीं पिटवाया, आपको प्लस ने पिटवा रखा है। अब प्लस में दिमाग लगाते हैं, लेट्स सी। इसकी वैल्यू बोलो माइनस वन, और इसकी वैल्यू बोलो जीरो। अब बी भी कैसा है, और ये तो अभी भी नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा? तो क्या खोलू बोलो आप? माइनस कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू लिख दू क्या? अच्छा जल्दी से बता दो, ये माइनस के साथ खुलेगा, इसका मतलब माइनस दोनों के साथ है, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये एक मिनट तो मैं लिख देता हूं इसको, ताकि आप में से कोई भूले नहीं, फिर आप में से कहीं पलट गया तो, है ना भाई। इसको आप लिख दो माइनस का कॉस ए बाई टू माइनस का साइन ए बाई टू, लिख दो। अच्छा, इसको आप लिख रहे हो कितना? माइनस का कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, सही है ना भाई। अच्छा, अपने को इनमें से इसको घटाना था या इसमें से इसको घटाना था? इसमें से इसको घटाना है, तो मैं जैसे इसमें माइनस करूं, माइनस करते ही ये प्लस, ये प्लस। अच्छा, ये प्लस होते ही कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और ये आ गया आपको 2 sin a/2। जब आप बिल्कुल अटक ही जाओ ना, तो नियर अबाउट की कोई ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल करीब हो, जिसे आप जानते हो, रख रख के चेक कर लो, बिल्कुल आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ला सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका ब्रेन टीज करना चाहिए। इतने करीब में आ गए तो थोड़ी मात खाता है कोई। फार्मूला मैंने यहां तक लगवा लिया, फिर आपको पता है प्लस माइनस ही तो सही खोलना है। आपको ये भी दिख गया कि यार प्लस और माइनस ये, अब जब आपके पास आएगा तो गलती नहीं करना, कानी पकड़ में आ गई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, फिर से और दिमाग लगाने लायक, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट है भाई, लगाना। अगर बनाऊंगा तो माइनस कॉस ए बाई टू इजिकल टू में माइनस का अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, करें ट्राई करो, प्रूव दैट हो जाएगा क्या, देखो इसी का बी पार्ट बन गया, प्लस माइनस नहीं कुछ नहीं करना, वापस से वही सब लिखना है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मतलब मॉड कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, राइट है भाई। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब मॉड में कितना, कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, ये लो लिख लिया।
लिखने के बाद हम दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाने, ठीक है भाई, हाँ थोड़े घोड़े दौड़ाने, क्या दौड़े दौड़ाने, पहले इसको पक्का करो कि कैसे बाहर आने वाले हैं। आपको बताइए ये वाला माइनस वन के आसपास है, ये वाला जीरो के आसपास है, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आने वाला है। माने माइनस के अंदर कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, राइट है भाई। अच्छा और इधर की तरफ दे रखा है जो भी, इसमें ये भी माइनस वन और ये जीरो के आसपास, तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस के अंदर कितना खुलेगा, कॉस ए बाई टू माइनस का साइन ए बाई टू, राइट है भाई। और मैं चाहता हूं कि दोनों के नेगेटिव का एडिशन हो, अगर मैं दोनों के नेगेटिव का एडिशन की बात कर रहा हूं तो जैसे मैं इसमें नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा तो इसके बाहर भी नेगेटिव नेगेटिव लग जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे को जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे उधर की तरफ तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट वन प्लस साइन ए, और इधर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट वन माइनस साइन ए, और इधर की तरफ दोनों का सम हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बन जाएगा टू कॉस ए बाई टू, क्या सही तो आ रहा है, माइनस माइनस पूरे होल में ब्रैकेट में आएगा ये माइनस नहीं होगा, हाँ ये टू कॉस ए बाई टू होगा। मैंने कहा ना ये अपन खुद घर से बना रहे तो गड़बड़ कर सकते हैं अपन, है ना भाई। माइनस टू आ रहा है कितना, हाँ प्लस ही आएगा वापस, है ना भाई, हाँ टू कॉस ए बाई टू। कितने लोगों का बन गया, चला गया था क्या इतना सही, हाँ इस बॉल के अंदर कोई दम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल की तरफ चलता हूं, अगला टाइटल है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक है भाई, ठीक है करिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है अपने आप में एक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझना, एक एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो एक्सप्रेशन क्या है, वो है कॉस थीटा इंटू में कॉस टू थीटा इंटू में कॉस टू का स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस टू का क्यूब थीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कॉस टू टू दोबार एन थीटा। क्या आपको यहाँ कोई प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सब किसमें प्रोडक्ट में, है ना भाई। तो इसके अंदर कुछ खास बातें जो होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है ना, हम जो भी चीज हम बनाने वाले हैं ये एक्सप्रेशन हमेशा कॉस में गिवन होनी चाहिए, साइन में गिवन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात तो एक्सप्रेशन लिखते चलिएगा, एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन ओनली, एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन ओनली, लिख लिया। सेकेंड नंबर पे लिखिएगा, ठीक है, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई टू ओनली, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई टू ओनली। ये जो भी सीरीज है टू की सीरीज होनी चाहिए, यानी कि तीन की सीरीज में पकड़ के लिया अपन, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई टू ओनली, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए, राइट है भाई, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल भी बता देता हूं, यहीं के यहीं इसके नीचे एक एग्जांपल लगा कर अगर आप अपनी कॉपी में छोड़ दोगे तो आपको आइडिया भी रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि कल को किसी ने मार्को दे दिया वाई इज इक्वल टू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा अपॉन टू टू द पावर टू, है ना, एंड दैट डैश कॉस थीटा अपॉन में टू की पावर टू एन माइनस वन, ऐसा दे दिया किसी ने, राइट है ना। तो ये इस जगह पे फार्मूला जो हम एक्सप्रेशन जो यूज करने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा, एक्सप्रेशन विल नॉट वर्क। क्यों नहीं करेगा, किसी को पता चला, छोटी वैल्यू, क्यों, कौन सी वाली वैल्यू छोटी है, बिल्कुल डिसेंडिंग जा रहा है ना, एक्चुअल में ये डिसेंडिंग कम होता जा रहा है, जबकि मैंने क्या बताया था किस क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहली बात, जब भी आपको एक्सप्रेशन को यूज करना हो फॉर यूजिंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट, अगर आपको कभी भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट का यूज करना है तो पहली बात एक्सप्रेशन को आपको उल्टा लिखना चाहिए, कॉस थीटा टू की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस, अगला बोलो आप, थीटा अपॉन क्या लिखना चाहिए बताओ, उल्टे से पकड़े, टू की पावर एन माइनस टू, सही है, क्या बता रहा हूं, ये बड़ा है कि छोटा हो गया, बड़ा हुआ। देखो ना, आप किसी को अगर पता हो इसकी जिस दिन दो से गुणा करूंगा ना, इसकी जिस दिन दो से गुणा करूंगा ये आएगा, दो से मल्टीप्लाई करते ही दो और कट जाएगा, कम कर देगा, दो की बार एन माइनस टू कर देगा, लगता उल्टा है लेकिन होता सही है,
सही है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे आप लेके जाओ cos थीटा 2 का स्क्वायर, फिर cos थीटा बाई 2, फिर देखो धीरे धीरे cos थीटा, अब आपको रिलेट होगा हाँ यार सही में असेंडिंग है, ठीक है ना। तो आप जो भी फार्मूला या जो भी एक्सप्रेशन आगे पढ़ने वाले हैं, पहले आप उसको सही ढंग से लिखना सीख लें, कि हमेशा एक्सप्रेशन इस तरह से होगा कि cos की मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और एक्सप्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में होगा और 2 के पॉइंट में चलेगा, राइट है, लिख लीजिएगा। अगला थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट है फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट, फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज, मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट एंगल, मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय साइन ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट एंगल। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? पहला वाला, याद है ना भाई। तो अगर मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को इसको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए साइन, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ? साइन ब्रैकेट में क्या लिखो? थीटा अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 से, साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करो, अगर मुझे इसे हल करने का मन है तो, राइट है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है यहां तक ही? है ना भाई। अब जल्दी से एक छोटा सा बात और पूछता हूं, आपको अगर ये मेरी बात यहां तक समझ में आई तो मैं आपके सामने एक छोटा एक्सप्रेशन बना के लाता हूं। मान लीजिए किसी ने मेरे को दिया cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, हाँ या ना। पहली बात आप ये पकड़िए, सही है गलत है? सही है ना भाई, है ना। अगर ये इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है तो मेरे को क्या करना चाहिए? पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए साइन थीटा से, राइट है, और मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं जैसे ही साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करते समय मेरी थोड़ी अकल और काम करनी चाहिए, मेरे को साइन से ना मल्टीप्लाई करके 2 साइन से मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट है ना भाई। तो मैं इसी स्टेप के नीचे लिख लूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग द सीरीज, मल्टीप्लाइंग गिवन सीरीज, गिवन सीरीज बाय 2 साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, राइट है भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द गिवन सीरीज बाय 2 साइन थीटा। सुनो एक बार, अगर मैं 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितने लोगों को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा। पीछे ऑलरेडी कॉस 2 थीटा एंड सो ऑन लिखा हुआ है, जो चल रहा है चल रहा है, यहां तक में तो कोई दर्दनाक बात नहीं। अच्छा, यहां हो गया cos 2 थीटा, ये लिखा है cos 4 थीटा, ये लिखा है cos 8 थीटा और नीचे लिखा होगा 2 sin थीटा। कितने लोगों को लगता है कि अभी ये फार्मूला काम कर सकता है? इसे किसकी जरूरत है? 2 की। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितने लोग बताए 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 4 थीटा, sin 4 थीटा, है ना भाई। तो ये कितना बन गया? ये पूरा जो भी ब्रैकेट है बन गया कितना? sin 4 थीटा। और पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या है? cos थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा अपॉन में नीचे कितना? 2 स्क्वायर sin थीटा, ऐसा लिख दूं चलेगा? अच्छा, कितने लोगों को पता है ये फार्मूला फिर काम कर सकता है? ये फार्मूला फिर काम कर सकता है कि मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, किसे पता है? 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा। तो इसके हिसाब से देखा था sin 8 थीटा, sin 8 थीटा, है ना भाई। तो इसको लिख देता हूं sin 8 थीटा, है ना, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 8 थीटा, है ना, अपॉन में नीचे तब तक हो गया 2 का क्यूब साइन थीटा। जल्दी से बता दो क्या चाहिए? 2 और दे दो, हाँ है ना, क्या लगते हैं? तो इसकी जगह बन गया साइन 16 थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर 4 साइन थीटा। क्या ख्याल है, यही बना के नहीं बना? क्या आप इस छोटी सी बात को समझ पाए? ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया, लेकिन आने वाले टाइम में हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये वाया वाया नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यही अगर भाई देवे आप 12th में मेरे से ये पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना से कह रहा होता, बेटा देख ये cos थीटा, ये cos 2 थीटा, ये cos 4 थीटा, ये cos 8 थीटा का क्वेश्चन है, ठीक है, अपन ने वाकई में मल्टीप्लाई किया 2 sin थीटा, 2 sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
ये जिस दिन 2 sin थीटा cos थीटा काम कर गया, ये हट जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा और cos 2 थीटा जिस दिन काम कर गया, इसको सिर्फ 2 की जरूरत है ना, एक 2 तो तने पहले से लगा रखा है, एक 2 और दे ला दे, या 2 देगा या into 2 कर दे, ये बन जाएगा कितना sin 4 थीटा। ये sin 4 थीटा और ये cos 4 थीटा वापस से क्या बन जाएगा sin 8 थीटा, कब, जब इसे 2 देगा तू, राइट है भाई, तो बन गया कितना sin 8 थीटा, और ये sin 8 थीटा और cos 8 थीटा 2 के मिलते ही वापस से sin 16 थीटा। तो जो काम करना है वो इतने से बोर्ड पे ही होता है, ये तो अपने को पहली बार समझने में टाइम लगता है। अरे इतनी तो अकल सभी काम करती है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 4 थीटा, है ना, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा sin 8 थीटा, दुगना करके तो बोलना है यार, इसमें कितना मेहनत लगती है, कि इतना भी नहीं हो रहा मेरे से, है ना, अगर ये भी हो रहा तो इसका मतलब तू परफेक्ट कॉमा पर्सन है ना, इतना तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। एनीवे चले, आने वाले टाइम में इसे रिड्यूस कर देंगे, एक फॉर्मूला बना के छोड़ देंगे, ठीक है, यहां तक लिख लें आप फटाफट से। एक्सप्रेशन में अगर कभी भी y इज इक्वल टू में cos थीटा इनटू में cos 2 थीटा एंड डॉट डैश cos 2 की पावर n थीटा ऐसा दे रखा है, ठीक है, n की जगह n माइनस 1 कर देता हूं, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, कितने टर्म दिख रहे हैं, कितने टर्म है, कितने cos है, n या n माइनस 1, यही खास बात है, कितने को पता है यहां 2 की पावर कितना है, जीरो, तो जीरो से लेकर के n माइनस 1 तक कितने होते हैं, n, जीरो से n माइनस 1 तक n होते हैं, और 1 से n तक n होते हैं, 1 से n तक n होते हैं, या जीरो से n माइनस 1 तक भी n ही होते हैं, तो कुल मिला के पहली बात तो n है, नंबर ऑफ cos मल्टीप्लाइड आर n, ये छोटी छोटी बातें ना, यही मिस्टेक है बस, और ये सिली मिस्टेक आप रिड्यूस करते रहो, बस क्वेश्चन बनते ही चालू हो जाएंगे। पहली बात, ऐसा नहीं है फार्मूला कोई बहुत अद्भुत बनाने वाला हूं, साइन टू इंटू में लार्जेस्ट एंगल, बहुत ध्यान से समझना भाई, एक सिंपल सा फार्मूला है, खटखट काम करता था, साइन टू इंटू लार्जेस्ट एंगल, फिर टू की पावर नंबर ऑफ कॉस, ठीक है भाई, टू की पावर नंबर ऑफ कॉस, आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं, राइट है भाई, इंटू में साइन स्मॉलेस्ट एंगल। अब आप में से किसी का थोड़ा भी बेजा टाइम काम करता, देखो जरा इसका आंसर, अगर आप देख पा रहे हो इसका आंसर, अगर आपको ध्यान है 16 थीटा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो सबसे बड़ा एंगल है उसका दुगना, हाँ है ना, तो यहां पे लिख सकता हूं साइन 2 इंटू सबसे बड़ा एंगल 8 थीटा मल्टीप्लाइड भाई कितने कौन से गिन लो, 1 2 3 4 2 की पार 4 कर दो, है ना भाई, इंटो में साइन स्मॉलेस्ट कौन, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है थीटा, लिख दो इंटो में साइन थीटा, यही आंसर है, देख लो इसका मतलब परफेक्ट काम करता है। तो लोग ये सब भी नहीं करते, वो सब भी नहीं करते, जो है कर लेते हैं खटाखट, है ना, उम्मीद है कर लोगे, ठीक है, बहुत ही काम का साधारण सा फार्मूला है। हाँ भाई चलो आगे, नेक्स्ट एंगल की तरफ मूव करेंगे अपन, करूं। अब एक क्वेश्चन है मेरा बहुत ही साधारण सा, cos 6 डिग्री cos 12 डिग्री cos 24 डिग्री cos 48 डिग्री, बस आंसर बता दो आप, तो अपना बना लोगे ना, लिख लो पहले, तो आप लिख लो आंसर बना के अच्छे से खूबसूरत सा पैकिंग करके मेरे को दे देना, आप तो जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके मेरे को आंसर दे देना, आप इसको रिड्यूस कर लो, पहले कर लिया सबने, इतना तो आसान काम दिया मैंने, कर लोगे, मेरी जरूरत उम्मीद है ना के बराबर है, थोड़ा अच्छे से वर्कआउट कर लेना लास्ट तक, कर लिता, छोटा सा तो आंसर है, बोलो y बराबर कितना, साइन 2 इंटू 48 और 96 डिग्री अपॉन में 2 की पावर 4 साइन 6 डिग्री, कोई गलती तो नहीं, कहीं आप इसे तो ये तो नहीं कहते कि cos 6 डिग्री है साइन 96, कौन से हाथों से 90 प्लस 6 cos 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो मैंने इसे cos 6 लिख दो, इसे 16 इंटू में साइन 6 डिग्री, बच्चा बच्चे जानता है साहब cos 6 डिग्री डिवाइड बाई 16,
क्या आपको कहानी पकड़ में आई? इससे खूबसूरत क्या हो सकता था? हो गया अगला क्वेश्चन, है ना? अगला क्वेश्चन आ गया मार्केट में, जल्दी से आ जाओ। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 848, कॉस पाई बाई 24, कॉस पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 6। कितने लोगों का बन गया? पहली बात, क्या ये बढ़ता क्रम था या घटता क्रम था? बराबर है ना। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, माने साइन पाई बाई 3, है ना, अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू में कॉस, ना साइन स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल बोले तो पाई बाई 48। सही है, और उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगता है। ये रूट 3/2 है, है ना भाई, ये रूट 3/2 है, तो ये 2 की पावर 5 हो गया इंटू में कॉस, सॉरी क्या, साइन पाई बाई 48, यही आंसर हो गया। चलो इसका आंसर तो कोई निकालेगा नहीं, क्यों टाइम खराब करूं मैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करो, है ना भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 14, साइन 3/14, साइन 5/14। हाँ भाई, पहली चीज आपको ये पता है कि ये जो फार्मूला है साइन में काम नहीं करता, राइट है भाई। साइन में गिवन, पहला काम इसे क्या करोगे, कॉस में चेंज, है ना भाई। कितने लोगों को पता है ये आधे से कम है? अगर मैंने इसे आधे से कम में पाई माइनस थीटा करा तो मैं मर जाऊंगा, वापस साइन में आ जाएगा मेरे पास। देखो कैसे भी करके इसको कॉस में बदलना है। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, मुझे बताओ ये कॉस में कैसे बदलूं? कितने लोगों को ये याद है कि कॉस थीटा, ना साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 90-थीटा होता है? श्योर करो पहले तो, ये तो बचपन में पढ़ लिया था, ये तो इस साल भी नहीं पिछले साल ही पढ़ लिया था। कितने लोग बताए ये 90 बोले तो पाई बाई 2 होता है, ये बात भी पक्की है? कितने लोगों को पता है हमारी कहानी में नीचे क्या चल रहा है? 14, तो मैं इसको भी 14 की फोटो में देखूंगा तो 7/14 हो जाएगा। अरे सोचो क्या मैं इसे 7/14 लिख सकता हूँ? हाँ या ना। अब हर चीज को जो भी मुझको साइन में दी जाएगी मैं कॉस में इस मशीन के वाया बदलूंगा। साइन में किसी ने मेरे को पाई बाय 14 दे दिया सपोज, तो थीटा की जगह कितना चिपका गया वो मेरे को 5/14, तो मैं वो थीटा यहां लगा दूं तो मैं इसमें लिख दूंगा कॉस 7/14 -5/14। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही। इसे कहते हैं कॉस में बदलना। आपको बच्चे को बदल जाएगा जिस दिन घटाना सीख जाएगा, वो 6/14 लिखा है। सोचो, तो इसका मतलब ये कि ये बन गया कॉस 6/14। अब डायरेक्ट 7 में से घटाओ, देखो 7 में से पाई घटाया 6 आया। अब अगले वाले में सोचो इसको कॉस में क्या लिखूं? कितना? 4/14। पक्का? लो लिख दिया। अब जल्दी सोचो इसको 5 को कॉस में क्या लिखूं? 7 में से घटा के बोलो 2/14। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? ये लो, हर चीज मैंने कॉस में बदल दी। अब दूसरी बात सोचो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना गलती क्या हो सकती है। इसका ये डबल है, अरे हाँ या ना, लेकिन क्या इसका डबल ये है क्या? अरे 4 का डबल 6 होता है क्या? नहीं है ना। मुझे ट्रिपल से कोई मतलब है या डबल से मतलब है? याद है ना मेरे को हर बार 2 की गुणा चाहिए। नहीं है बात पकड़ में? ये यहाँ तक तो बराबर है लेकिन यहाँ ना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब 2 देने सही और 1 गड़बड़ है। अब आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊं। मैं एक यूनिक फार्मूला फिर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मतलब यही है आईटी के पढ़ना, इसी को कहते हैं कि आपको पता चल गया यार गड़बड़ तो हो गया साला, ये कैसे भी करके 8 होता मजा आता, ये 8 होता मजा आता। हाँ या ना, डबल नहीं है
लेकिन आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है कि कहीं मैं इसे कॉस, बहुत ध्यान से देखना, नीचे 14 है, आप सोचना जरा, मैं इसे 14π - 8π लिख सकता हूं, 6π को, अरे 6π को 14 माइनस लिखते हैं कि नहीं, 14 में से 8 है ना, जिस दिन मैं 14 का इसमें डिवाइड लगाऊंगा पाई माइनस 8π बाय 14 हो जाएगा। तब तक आप में से कई जने कोने में जा चुके होंगे, कॉस पाई माइनस थीटा सोच रहे होंगे, पाई पे चेंज या नो चेंज, तो कॉस थीटा वापस सेकंड क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलो सेकंड में कॉस माइनस का, तो इसका मतलब ये बनेगा माइनस का कॉस 8π बाय 14, बना के नहीं बना, इधर बन गया कॉस में कितना 4π/14, इधर बन चुका है ऑलरेडी कॉस 2π/14, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और ये इस बार यो असेंडिंग है। अब फार्मूला खट काम करता रहेगा, माइनस बार पड़ा रहने दो, साइन में 2 × smallest angle, 2 × largest, लार्जेस्ट कौन है ये की है, तो क्या लिख दो 16π/14 कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटो में साइन स्मॉलेस्ट एंगल बोले तो 2π/14, इसको छोटा मोटा और मार पिटाई की जरूरत है और ये आंसर दे जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन की तरफ भागे, भागे नहीं जबरदस्त भागे। कितने लोगों को ये बात पता है कि 16 में 14 का भाग जा सकता है, yes, लग सकता है कि नहीं, कितने लोगों को पता है ये 14π + 2π लिखा है, अरे सोचो ना जल्दी से, ये है कि नहीं है, 14 का डिवाइड जिस दिन इसमें गया ये क्या बन जाएगा पाई प्लस, अब ये बिल्कुल ही मर गया, पाई प्लस 2π/14, हाँ या ना, ये बार हो जाएगा साइन के अंदर डिवाइड बाय 14 कर रहा हूँ, कितने लोगों को ये पड़ गया पकड़ में कि साइन पाई प्लस 2π/14 है ये, हाँ या ना, साइन पाई प्लस थीटा, पाई पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो वापस से बन गया साइन 2π/14 प्लस का है माइनस का, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन 2π/14 साइन 2π/14 कट गया तो आंसर हो जाएगा 1/8, ये कितने लोगों को पकड़ में आया 1/8 नहीं आया, बहुत जबरदस्त, आखिरी छोर पे फिर लड़ाई हो गई, देखो दिखा देता हूं क्या हुआ, आपका लास्ट आंसर उधर कितना आ रहा था, माइनस का साइन 16π/14 और नीचे आ रहा है 8 × sin ब्रैकेट के अंदर कितना 2π/14, कोई भी सोच सकता है ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा है 14π + 2π लिखा है कि नहीं, अच्छा माइनस ये 8 × sin 2π/14 लिखा है कि नहीं, ये 14 का हर बंदा डिवाइड लगाएगा भाई, कौन नहीं लगाएगा, 14 का डिवाइड लगता है ये कितना हो जाएगा 5 + 2π/14, राइट है, आपको पता होना चाहिए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ी अकल लगाएंगे हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस साइन 2π/14 डिवाइड बाई 8 × sin 2π/14, इसका मतलब ये और ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/8 बन गया, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई, आया है ना, ये लेवल है आईआईटी का, आईआईटी इस तरह से लड़ाई लड़ना पसंद करता है, ठीक है, बहुत प्यार से इस तरह के गेम खेलता है वो। हाँ भाई अगला प्रसंग फटाफट आ दो, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 14, साइन में दे रखा 3π/14, मैं इससे पहले कि आगे जाऊं पहले मेरे को बता दो इस क्वेश्चन में कंटिन्यूड प्रोडक्ट लग सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं लग सकता, डबल नहीं है, डबल नहीं है और कॉस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मजा आएगा, 5π/14 साइन में दे रखा 7π/14, चलते चलो 9π/14, अरे तो जय माता दी करेगा, साइन 11π/14 साइन 13π/14 आपने लगे तो, हाँ भाई ओके, ये याद आया आपको कौन से बात, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा बोले तो पाई माइनस थीटा का प्रयोग, आई बात, अच्छा कितने लोगों को पता है कि हम सब पे प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ पीछे के 3 आगे के 3 पे करते हैं, ये तो है ही नहीं, ये देखो क्या हो गया, ये तो 1 है 1, सोचो क्यों, क्यों है 1 दीपक, क्यों है 1, ये
साइन पाई बाय टू है, साइन पाई बाय टू वन होता है ना, ना किसको जीरो करो, वो पाई बाय सेवन है। हाँ ये इधर दिमाग लगाया नहीं आया, ये कितना है, ये तो वन है वन। अच्छा कितना लोग बताए, तीन गाड़ियां इधर हैं और तीन गाड़ियां इधर हैं, और 100% ये और ये गाड़ी सेम निकलने वाली है। थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना, प्रयोग कैसे, कितने लोगों को पता है मैं इसको क्या लिखूं, नहीं क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैंने सिखाया आपको, अगर नीचे 14 है तो इसको लिखो 14π - π, आप भूल गए हो, ठीक है, डिवाइड बाय 40, इसको क्या लिखूं, साइन 14π - π 14 लिख दो। इसको मैंने क्या सिखाया था, जिसे क्या लिखो 14π - π π, श्योर करो, डिवाइड बाय 14, और ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, नहीं अभी नहीं, हाँ भाई ये वाली कहानी पकड़ में आ रही है। हाँ भाई क्या आपको बात पता है कि ये डिवाइड होगा ही होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो हो गया साइन पाई बाई 14, ये हो जाएगा साइन 3π / 14, ये हो जाएगा साइन कितना, साइन में कितना, पाई बाई 14, क्या श्योर है क्या भाई, और ये जो भी लिखा है वही का वही इधर लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 14 साइन 3π / 14 साइन 5π / 14, क्या आपको लगता है कि होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया साइन पाई बाय 14 साइन 3π / 14 साइन 5π / 14 का होल स्क्वायर, क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है। अच्छा ये वही तो क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ कर रहा है अभी, यही तो नहीं है कहीं, हाँ या ना, तो आंसर कितना हो गया, ओके नहीं आई कहानी पकड़ में, कहानी पकड़ में आ गई, हाँ नहीं, अरे वो तो प्लस में करते हैं, हाँ अब अपना जरा सा रह गया, बहुत ही जरा सा, मतलब चैप्टर तो वैसे मैंने जैसा बोला था अब खत्म होने की तरफ भाग रहा है। क्वेश्चन संख्या 20 XI 3, क्वेश्चन संख्या 21 XI 3, क्वेश्चन संख्या 22 XI 3, 23 XI 3, 26 XI 3, 22, 23 और 20 है ना, 26 हो गया, आ जाओ पीछे 34, 35, 36 XI 3 और 37, 38, 39 भी कर लें, बस 11-12 क्वेश्चन दिए सब मिला करके, कर क्या ना।